Hello student, today I have came here to teach you naming words. Naming words means noun. Okay, everything around us has name. हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं सबके कुछ न कुछ नाम हैं, ठीक है? किसी भी चीज का जो नाम है that is known as naming words, noun. Okay, such as people, persons. जितने भी हमारे आसपास जो भी लोग हैं, ठीक है, पर्सन्स, जैसे कि जस्ट लाइक दैट फादर, मदर, टीचर, डॉक्टर, मिल्कमैन, ठीक, जैसे कि हमारे आसपास हमारे मम्मी पापा हो गए, ठीक, दीदी भैया, या फिर टीचर डॉक्टर हो गए, या दूध वाले हो गए, ये सब क्या हैं? पर्सन्स हैं, ठीक. और आप मुझे बताएंगे उसके बाद आपके अगल बगल आपके आसपास जो है कुछ एनिमल्स भी होंगे. एनिमल्स के नाम तो पता है आप लोगों को, बताएंगे? हमें दूध कौन देता है? कौन, किस एनिमल से मिलता है? यस, काउ से मिलता है, शाबाश. और हु गार्ड आवर हाउस, हमारे घर की रक्षा कौन करता है? Which animal? Yes, very good. That is dog. Dog. So all these are what? Animals. ठीक है? After that, we talk about persons, animals. Now, where do you go for the education, for learn something? कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? School. शाबाश. So school is the name of a place. ये जगह का नाम हो गया. वैसे ही where do you go for playing games? कहाँ जाते हैं गेम खेलने के लिए बेटा? हाँ, पार्क. सो इट इज द नेम ऑफ ए प्लेस. व्हेन यू फील सिक, जब आप बीमार पड़ जाते हैं, where do you go? हॉस्पिटल, शाबाश. सो ये क्या है? जगह के नाम. इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस. सो ये भी नाम है, जगह के नाम है. नाउ थिंग्स, वॉट इज दिस बेटा? ये क्या है? कीज, ठीक, ओके. एंड वॉट इज दिस? पेन. नाउ ऑल दिस आर वॉट? थिंग्स. ये क्या है? सामान है. स्केल, बुक, पेंसिल. वेर यू आर सिटिंग? ऑन द चेयर. जो आप चेयर पे बैठे वो भी क्या है? थिंग्स है, वो भी सामान है, ठीक है. अब आपके मम्मी जो किचन में गैस है, या आपके पापा जो बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, दैट इज ऑल्सो नेम ऑफ थिंग्स, ठीक है. वो भी सामान का ही ना, उसका भी, वो भी क्या है? वो भी सामान है, उसका भी नाम होता है. जैसे आप चले जाएं, डोरमेट हो गया, आपका स्कूल बैग हो गया, वाटर बॉटल हो गया, ऑल दीज आर व्हाट? नेम ऑफ थिंग्स, ठीक. समझ में आ गया? नेम ऑफ पर्सन्स, जैसे आपके टीचर हो गए, पेरेंट्स हो गए, ये हो गए, ठीक है. आपके अंकल, सोल्जर, ये सब पर्सन्स में आएंगे, ठीक है. नेम ऑफ पर्सन्स. सेकेंड आ गया आपका एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल हो या डोमेस्टिक एनिमल हो, वो सब आएंगे उसी कैटेगरी में. और आता है प्लेस, जिसे आपको जाना है, जयपुर जाना है, ये भी आएगा. आगरा, दिल्ली, ये सब प्लेसेस हैं, जगह है, तो ये प्लेस में आ गए, ठीक. उसके बाद क्या है? थिंग्स, ठीक है, सामान. तो आपके समझ में आ गया, ये सब है नेमिंग वर्ड्स. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड.